सब गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्रिएटिव वीडियो। गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गाइस आप लोग भी कुछ इस टाइप की स्काई चेंजिंग वाली वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हो। आया देखो बप्पा मोरिया। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है अब आने वाली है गणेश चतुर्थी। इस टाइप की वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप से एडिटिंग सिखाते हैं। उससे पहले बस आप लोगों को कुछ इस टाइप से एक वीडियो को शूट कर लेना होगा। जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से कि आप लोगों को एक वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ से गाइस आप लोगों को सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हो। सो सबसे पहले गाइस आप लोगों को अपने VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गाइस आप न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो गाइस यहाँ से आप लोगों को अपनी वीडियो को ले लेना होगा जो भी वीडियो आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह कर रखी होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक वीडियो को ऐड करके दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को ऐड किया हुआ था, ठीक है। यानी कि मैंने अपनी वीडियो को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल से, ठीक है। आप लोगों को कुछ स्टेप से एक जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ स्टेप से करके आप लोगों को अपनी वीडियो को यहाँ पर शूट कर लेना होगा। तो ठीक है, ये वीडियो तो मैंने यहाँ पर स्लो मोशन में कर रखी है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर ना फास्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ऐसे गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर अपनी वीडियो को देख सकते हो कुछ स्टेप से मैंने अपनी वीडियो को यहाँ पर फास्ट कर दिया। ये वीडियो मैंने सोलो मोशन में शूट किया था, रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी म्यूजिक को ऐड करना होगा तो ऑडियो को ऐड करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा एंड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो हमारा साउंड है वो यहाँ पर सबसे पहला हमने यहाँ पर अपने साउंड को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को जहाँ पर हमारी बीट आ रही है ना, सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो ऑडियो ऐड किया है ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सॉरी लेयर पर क्लिक करना होगा, बीट्स पर जाना होगा एंड जहाँ पर हमारी बीट आ रही है वहाँ पर आप लोगों को बीट मार्क लगा देना होगा। जैसा कि गाइज मेरी बीट यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, हमारी बीट समथिंग यहाँ पर आ रही है। तो आप लोगों को 3.65 यहाँ पर हमारी बीट आ रही है, यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा। अब आप लोगों को अपनी वीडियो को कुछ इस टाइप से यहाँ पर करना क्या होगा, अब आपको अपनी वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर लेना होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कुछ स्टेप से मतलब आप लोगों को अपनी वीडियो को यहाँ पर लाना है जहाँ पर आप मतलब अपना हैंड फेंक रहे हो, ठीक है। आप लोगों को अपनी वीडियो को वहाँ पर आपको लेके आना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर लाने के लिए कुछ स्टेप से देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेप से हमने यहाँ पर अपने हैंड को फेंका, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर अपनी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखते हो जहाँ पर मैं अपना हैंड फेंक रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आना होगा, यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वीडियो एंड फोटो में जाना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को एक वीडियो को ऐड करना होगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर अपनी वीडियो को देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऐड कर दिया। वीडियो ऐड करने के बाद ऊपर की साइड कुछ स्टेप से लेके जाना होगा, ऊपर साइड लेके जाने के बाद कुछ स्टेप से अपनी वीडियो को यहाँ पर आप लोगों को जो है जूम कर लेना होगा एंड जूम करने के बाद अब आप लोगों को कुछ स्टेप से लेके ऊपर की साइड लेके जाने के बाद नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क का। तो आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लीनियर का। तो आपको लीनियर पर क्लिक करना होगा एंड एक और बार लीनियर पर क्लिक करके कुछ स्टेप से यहाँ से आप लोगों को अपनी वीडियो अंदर जो है फेड इन इफेक्ट आप लोगों को ऐड कर देना होगा। तो जैसा कि गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपकी वीडियो यहाँ पर एडिट हो चुकी है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आप लोगों को जहाँ पर आप हाथ फेंक रहे हो ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा आना होगा एंड आप लोगों को अपनी वीडियो को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर कर लेना होगा, जैसा कि देखते हो, ठीक है।
कुछ स्टेप से हमारी वीडियो यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आप लोगों को जो इस वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर कट कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। अब जो इस हमारी मेन वीडियो का साउंड है उसको यहाँ से आप लोगों को म्यूट कर लेना होगा। जैसे कि देखते हैं हमने यहाँ पर अपने साउंड को म्यूट कर लिया, इसका साउंड को यहाँ से आप लोगों को फुल कर देना होगा। तो फाइनली हमारी यहाँ पर वीडियो एडिट हो चुकी है, जैसा कि गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो, ठीक है। तो कुछ स्टेप से गाइज आप लोग अपनी वीडियो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो वीडियो सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करना था। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक।